तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें जो अपना डिज़ाइन है वो प्रिंटिंग प्रेस या क्लाइंट को आपको सीधे ही भेजना हो, जिसमें आपका जो डिज़ाइन है वो पूरा डिज़ाइन जाए अपने फॉन्ट्स जो आपने यूज़ किए हुए हैं उन फॉन्ट्स के साथ, पूरी फाइल की डिटेल्स के साथ। आपको अगर वर्ज़न भी चेंज करना है तो वर्ज़न भी आप उसका चेंज करके आप उसको पूरी तरह से भेज सकते हैं। और जिससे क्लाइंट को क्या होगा कि आपका दोबारा कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तकलीफ़ नहीं आएगी किसी भी क्लाइंट को, या जिसे भी आप पब्लिशर्स को या प्रिंटर्स को आप दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, टूल मेनू में जाना है, वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वहाँ से आप कस्टमाइज में, आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें आपको कमांड्स में जाना है। ठीक है दोस्तों, कमांड्स में जाने के बाद यहाँ पर जो ऊपर आप जो देख रहे हैं ये फाइल, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपको फाइल सिलेक्ट कर लेना है और उसमें आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो है कलेक्ट फॉर आउटपुट। बहुत ही बढ़िया है, इसे आप ध्यान से ज़रूर से देख लीजिए और सीख जाइए, ये बहुत ही काम का एक टूल है। तो इसे आप सिलेक्ट करें और आप चाहें उसे कहीं पे भी आप टूल बार में प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे फाइल मेनू में, यहाँ पर जो ये जगह है वहाँ पर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ इसे, और ये यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है। बस सिंपल सा ये जो कमांड है ये पुराने वर्जन्स में आता था, लेकिन जो नए वर्जन्स है उसमें ये नहीं दिखा था फाइल मेनू में, पुराने में वो दिखता था। तो इस तरह से आपने फाइल मेनू में इसे ले आना है यहाँ से और इसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। मैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसे रिकमेंड करूँगा, वो आप ले लीजिए। उसके बाद आप से नेक्स्ट कीजिए। अभी यहाँ पर आपको जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इंक्लूड PhD और इंक्लूड PDF एंड इंक्लूड CDR, यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हैं वर्जन। आपको PDF भी बन जाएगा उसमें, साथ में एक बंडल बनेगा फॉन्ट्स के साथ। यहाँ पर जो जो फॉन्ट्स आपने यूज़ किए होंगे वो यहाँ पर आपको बताएंगे। ये लिस्ट है फॉन्ट्स का, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन पूछ रहा है ये कहाँ पर आपको सेव करनी है। अगर आपको zip फाइल बनानी है तो भी आप, यह जो ऑप्शन है वहाँ से आप zip फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो कॉम्प्रेस बन जाएगी। फिलहाल मैं वो नहीं लेता हूँ और मैं डेस्कटॉप पर इसे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, इस तरह से राइट क्लिक करके, और यहाँ पर मैं जो फोल्डर का नाम है वो कलेक्ट इस तरह से रख देता हूँ फोल्डर का नाम। ठीक है, और हम इसी फोल्डर में इसे सेव करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे और ये जो अपना फोल्डर है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने नया बनाया डेस्कटॉप पर। ओके कर यहाँ से हम इसे नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस चलेगा, डिपेंड ऑन फाइल कितना टाइम लगता है, तो ये प्रोसेस चलेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर यहाँ से आपको इसे, ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ से आपको इसे फिनिश करना है। ठीक है, तो ये मैंने फिनिश कर दिया है और अब हम देख लेते हैं हमारे डेस्कटॉप के जो फोल्डर बनाया है उसमें। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है और इसमें आप पूरा डिटेल के साथ जो आपका CDR फाइल है, PDF फाइल है, वो यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये, पूरा का पूरा फोल्डर आप किसी को भी ईमेल या किसी भी पब्लिशर्स को आप सीधा भेज सकते हैं। यहाँ से हमने जो डिज़ाइन लिया था उसमें फॉन्ट्स वगैरह सारे सब पूरा डिटेल उस फोल्डर में चला गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।